अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं सलमान हसन। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। परवेज मुशर्रफ की वालिदा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, शारजा के डब्ल्यू विल्सन अस्पताल में दाखिल। दूसरी तरफ गद्दारी केस में साबिक फौजी हुक्मरान के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए पुलिस की खसूसी टीम बना दी गई। वजीर दाखला चौधरी निसार की जेर सदारत हुकूमती और तालिबान कमेटी का इजलास, कैदियों की रिहाई और जंगबंदी में तौसी पर गौर। शहबाज शरीफ हमजा को समझाएं कि बिलावल भुट्टो को मिलने वाली धमकियों पर तनाजा खड़ा न करें, खुर्शीद शाह का मशवरा। हमजा कहते हैं सलामती के लिए दुआ की, अब वापस नहीं ले सकता। कराची में जुमे और इतवार बाजारों में मोबाइल फोन की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी, चोरी के मोबाइल फोन बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। पंजाब में 1 अप्रैल से सीएनजी रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मिलेगी, एलपीजी की कीमतों में 35% कमी पर गौर। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, ट्रैफिक पुलिस पीर को चालान नहीं करेगी, शहरियों की तरबियत के लिए कैंप लगाए जाएंगे। 8:30 से 9:30 बजे तक गैर जरूरी लाइट्स बंद कर दी जाएंगी, जमीन से इजहार मोहब्बत के लिए 1.5 घंटे बाद अर्थ आवर मनाया जाएगा। और फिलिपाइन में मुसलसल 120 घंटे बास्केटबॉल खेलने का नया आलमी रिकॉर्ड।